मीडिया तो नाचेगी कुछ दिन में ऐसे ऐसे, ये देख लो, ये रिकॉर्ड करके जाना, अगर मीडिया ऐसे ऐसे ताली बजा बजा के ऐसे ना नाचे तो ना लेना कथक करवाएंगे, मुजरा करेगी मीडिया, बेशर्मो जाओ, तुम्हारे यहाँ पे लोग मरेंगे। अमेरिका की बात करोगे, मणिपुर अमेरिका में है, उत्तराखंड अमेरिका में है, अरे कब तक मारोगे भाई हमको, कब तक मारोगे? 2024 का चुनाव है, कंडानक से बौखलाइए भाजपा ने, पहले गृह मंत्री का ऐलान आता है दंगा होगा, अब मणिपुर उसके साथ जलना शुरू हो गया था, उसके बाद मणिपुर को जलाने के लिए पिक्चर बनवाई गई, उससे पहले उत्तराखंड जलाया गया, अब उत्तराखंड को दबाने के लिए ये पिक्चर बनाई गई। आज डायरेक्टरों के लिए समय है, संविधान में विपक्ष का कोई महत्व नहीं है, और आप कहते हो विपक्ष बोलना नहीं चाहता है, अभी के न्यूज़ चलो तुम्हें चलो जाओ, तुम्हारे यहाँ पे लोग मरेंगे। अमेरिका की बात करोगे, मणिपुर अमेरिका में है, उत्तराखंड अमेरिका में है, अरे कब तक मारोगे भाई हमको, कब तक मारोगे, और कितना मरने के लिए हम खड़े हो? हमने आपको सत्ता दी, वोट दी, पहचान दी कि आप इस देश का नेतृत्व कर सको, और आपने हमें 5 किलो राशन दिया है, भूख मारे मरते रहो। आज अगर इस नरेंद्र मोदी सरकार को आप देखिए तो जुमला ही जुमला है, हर बात पे जुमला है। पूछो महंगाई तो होता ना जॉनी जॉनी यस पापा, तो इसमें एक ही चीज आएगा, महंगाई नो पापा, अंधभक्तों के पापा है ना वो, फिर बेरोजगारी नो पापा, और सपने बाप मान लिया मोदी को। अब एक अंधभक्त कहते मेरे बाप हैं, तो अपने पप्पा से पूछो कि पप्पा क्या मिश्रा जी जो मेरे चाचा हैं वो क्या नहीं देख पा रहे हैं आर्मी को, क्या वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, विपक्ष को जाने दिए नहीं जा रहा है, विपक्ष के सांसद लगातार विरोध कर रहे हैं कि वहाँ जल रहा है, सरकार आपकी है, जवाब आपको देना है, तो यह मौन क्यों है देश के प्रधानमंत्री, सवाल उठता है। और ये सवाल तब तक उठेगा चाहे आप योग कर लो, अमेरिका के जहाँ पे गए होंगे क्या वहाँ कोई भी लोग उनसे नहीं पूछेगा कि आपके मणिपुर में आग लगी है तो आप क्या कर रहे हैं? अरे विदेश नीति भी मजबूत होनी चाहिए, विश्व में डंका बज रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, अपने घर में आग लगा दो, दूसरे घर में जाके पकौड़ी खाओ, विदेश नीति कहाँ आग लगी है, सब सही तो चल रहा है। अच्छा 56,000 आदमी चले गए, वो सही हो रहा है, अमित शाह जी बीच में गए थे बोले सब ठीक करके आ गए, बीच में गए थे तो और भी बीच में जाके और दंगा करवा है, ओ भाई लगातार दंगा हो रहा है लगातार, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मोदी जी के शासन में कोई परिंदा ही पर नहीं मार सकता, सब सुरक्षित है। अच्छा क्या बात है, चाइना ऐसे ही आ गया आंख लाल दिखाते दिखाते, गांजा वांजा पीते हैं क्या, तुम भी पीने लग गए हो अनभक्तों की तरह। अच्छा मीडिया दिखा रहा ना पंचायत चुनाव में बंगाल में क्या हो रहा है, मीडिया तो नाचेगी कुछ दिन में ऐसे ऐसे, ये देख लो, ये रिकॉर्ड करके जाना, अगर मीडिया ऐसे ऐसे ताली बजा बजा के ऐसे ना नाचे तो ना लेना कथक करवाएंगे, मुजरा करेगी मीडिया, बेशर्मो, इनको हिमाचल नहीं दिखता है, सॉरी मणिपुर नहीं दिखता है, इसको उत्तराखंड नहीं दिखता है, इसे बेरोजगारी नहीं दिखती है, इनको महंगाई नहीं दिखती है, अरे इनको देश के राष्ट्रपति का अपमान नहीं दिखता है, और ये लोग मुजरा गाने बैठ जाते हैं, मुजरा कथक कर लो जाके। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लगता मानसिक जिस दिन बाल योगी की तरह पूरे हिंदुस्तान ने मानसिक संतुलन खो दिया ना इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ, उस दिन कुत्तों की तरह भागोगे देश छोड़ के बेशर्मो, पर कोई भी देश तुम्हें जगह नहीं दे पाएगा। धमका रहे हैं आप, हर चीज के लिए मोदी थोड़ी ना जिम्मेदार है, अब वहाँ अगर हो रहा है तो मोदी जिम्मेदार है। तुम इधर आओ, देश में अगर एक सोचा सा जो है शौचालय बनेगा तो उसका रिबन मोदी जी काटेंगे, झंडी हर बात में दिखा देंगे, और सब कुछ का क्रेडिट मोदी जी को चाहिए, मोदी जी ने किया सब कुछ मोदी जी ने किया, अब जब कोई काम बिगड़ जाएगा तो किसने और ने क्यों किया बताओ? मोदी जी ने कहा था, अरे यार कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में ना कहाँ पैदा हो गए लोग ऐसा कहते थे, और मोदी जी ने आगे जब यहाँ पे आ गए तो आप लोग कहते हैं ये वही हिंदुस्तान है ना जहाँ के 80 करोड़ लोग
पाँच किलो राशन फ्री करा रहे हैं। ये वही हिंदुस्तान है ना जहाँ पे मारकाट हो रही है, ये वही हिंदुस्तान है जहाँ गाय के नाम पे हत्या होती है, ये वही हिंदुस्तान है जहाँ बिल्कुल माइनर के आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। अगर कभी आप एक सच्चे पत्रकार की तरह ईमानदारी में बंद कमरे में एक घंटे अपने बारे में सोचे तो आपको अपने आप से घृणा आएगी, क्योंकि आपके दिमाग में मोदी मोदी भर चुका है। कुछ भी कहिए, 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, इतना समझाने के बावजूद भी गोबर भरा है, इतना समझाने के बावजूद गोबर भरा है, मोदी आएगा। ऐसी घुट्टी पिलाई गई है, ऐसा घुट्टी पिलाई गई है, ऐसा आग मटकाई गई है कि सबको कसम कर लिया गया। नहीं, भाजपा कह रही है ना, अरे बड़े मंत्री कह रहे हैं, भाजपा के मंत्री भगवान है क्या? उनके छोड़े हुए एक नमूने ने कहा कि भगवान राम के पांच बाप हैं। अब ये भाजपा वाली पूरे बताए कि उनके कई बाप है, सभी बागेश्वर वाले बाबा से मिल चुके हैं, तो उनसे पूछे कि उनके पिताजी कितने थे। मोदी की लहर से बुखला गए आप का? मोदी की लहर से बुखला गए, मोदी की लहर, डर खौफ आ गया बालियों की में, मोदी का डर, मोदी का खौफ। मोदी मोदी जी कोई डायनासोर है क्या? मोदी जी एक मिनट, मोदी डायनासोर है क्या? कोई शेर और है इनसे हम डरेंगे? 56 इंच के है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री है। एक चीज बता दे, डरना उनको हमसे पड़ेगा, हम देश की जनता है और सब समाज से आते हैं, हम उनसे क्यों डरेंगे? सन समाज तो मोदी जी के साथ है। कौन तुमको पैसा मिला होगा इसलिए विरोध कर रहे हो? पर्चा दी नहीं तुमको लिख के सब बागेश्वर वाले बाबा, आएगा तो मोदी, तुम लोग ऐसे ही आएगा आएगा मोदी आएगा मोदी आएगा मोदी, और तुम लोगों की कहानी खत्म होने वाली है। मोदी लहर से बौखला गए हैं कि नहीं, 11 अरब करोड़ रुपए बोल रहे हैं जो आरबीआई की तरफ से गोदी मीडिया को दिए गए हैं। ये आप लोगों को जो रकम पहुंचाई जा रही है आरबीआई की तरफ से, जो मोटे मोटे फंड दिए जा रहे हैं, ऐड दिए जा रहे हैं, आज मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात कह दूं, जिस देश में महिलाओं का अपमान होना शुरू हो जाए, अब महिलाओं के अपमान ने पूरा देश एकजुट नहीं हो पाया, अब उससे पहले नबी की, उसके बाद और धर्मों की, अब आज राम को भी जाके सड़कों में प्रभावित कर दिया गया, इस बात से नाचते रहो कि लगेगी आग, सब आएंगे जद में, यहाँ कोई हमारा मकान नहीं है। आज हम भी नहीं दिया, कांग्रेस ने पैसा दिया है, हमें तो बहुत पैसा आ रहा है, हमारे अकाउंट की जांच कराओ सरकार, सब बीजेपी वालों की जांच करा लो, क्योंकि वो लोग जांच नहीं करा पाते हैं। मणिपुर में क्या हो पा रहा है उसका जवाब तो है नहीं। आपको बता दें 60,000 से ज़्यादा से लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं, वहाँ के पुलिस स्थिति आर्मी वालों के सामने जल रहा है, लोग कुछ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कि गृह मंत्रालय ढील दे रहा है और अमित शाह चाणक्य फेल हो गया है, क्योंकि उसको मालूम है ना कि गुजरात चाणक्य रहे, चाणक्य थे बिहार से, क्योंकि सारी चाणक्य नीति खत्म हो चुकी है। मीडिया में तो बंगाल में हिंसा हो रही है, मीडिया अच्छा गोदी मीडिया, उस गोदी मीडिया से पूछो कि मणिपुर, मणिपुर में मोदी जी की भाजपा वालों की शादी हो रही है क्या, जो वहाँ नहीं दिखा रहे हो, या कोई रिसेशन हो रहा है? आप लोग उत्तराखंड पे वहाँ पे जिहादी हो जाते हैं, मणिपुर में हिंदू मुसलमान होता अब तक, तो गोदी मीडिया वाले मालूम है पूरे कपड़े उतार के जितने मंत्र में नाच कर रहे होते, कोठा बना लिए होते जंतर मंतर को। शब्दों की मर्यादा रखिए, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अगर नहीं किए हो तो बोझो कि जब जब देश में हिंदू मुसलमान का मैटर आता है तब तक आगे बढ़ते रहते हैं। साहिल वाले मैटर, साक्षी वाले मैटर में सभी ने फंडिंग उठाई, चाहे वो आप कपिल मिश्रा हो, चाहे वो जितने भी हिंदू एक्टिव यूट्यूबर थे, गए थे। मैं गया था, आपको भी मिला फंड? बिल्कुल मिला, वहां ही मिला, और उनके नाम फंड लेने पास साहिल को लोग भूल गए। आपको हम बताए, इनका सिर्फ जो पाखंड है वो सिर्फ चुनाव जीतने वाला है। आज भी देखा जाए, आपका हाथरस हो, उन्ना हो, और भी अंकिता भंडारी हो, सब लड़की बेटियों की आत्मा रो रही है, किसानों की आत्मा रो रही है, और इस देश का प्रधानमंत्री योग कर रहा है। अच्छा ये पंडित जी, अभी रजत शर्मा परसों अपने शो में चला रहे थे कि मोदी जी ने तूफान से गुजरात को बचा लिया। एक बाबा आया है पर्चा से बचाने के लिए, और एक रजत शर्मा जो कह दो, उससे कह दो कि जाके तलवे में वो जहर लगाया रहेगा, मोदी चाट लेना, अमर हो जाओगे, उसके पैरों में अमृत है। देश तैयार है मोदी जी को फिर से बिठाने के लिए 2024 में, इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे आप? देश तैयार है मोदी जी को उतारने के लिए, बौखलाहट बता रही है, ये जो नाच गाना जो वो करके जो बाहरी प्रबंधन कर रहे हैं, इस सारे दंगे, सारी लाशें, सारी 100 रुपये कह रही है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह इस देश से जाना चाहिए। सही पक्ष वालों को मालूम है 23 को क्या होने वाला है, बता दूं, सही पक्ष को मालूम है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के रहने से क्षेत्रीय पार्टियों का जो जीवन काल है वो बचेगा, उनकी पार्टी बनी रहेगी, अन्यथा भाजपा खत्म कर देगी,
23 तारीख को एक सुर में राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार उतार दिया जाएगा और ये चर्चा होनी शुरू हो गई है। राहुल गांधी 2 अक्टूबर से यात्रा करने निकलेंगे और यात्रा 24 तक चलेगी मीडिया पर, और 24 पे 24 को जब वो यात्रा खत्म करेंगे तो लाल किले के प्राचीर से वो संबोधन करेंगे बतौर प्रधानमंत्री।